Good. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं मेरी कजिन सिस्टर वर्षा की वेडिंग का दूसरा दिन है। आज हम जैसे सब पियर वाले जो पापा के साइड के लोग होते हैं, हमारे साइड के लड़की वाले, वो सब वर्षा को लेने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम वारणा बोलते हैं। तो बस अभी हम पहले जाएंगे मेरे चाचा के घर और फिर वहाँ से हम जाएंगे वेडिंग में सीधा। और आज मैंने जैसे प्लेन सिंपल सी पर्पल साड़ी पहनी है और ओम ने ब्लैक शर्ट पहना है, लेकिन उसको फोटोज लेने नहीं आज, तो बस अभी हम जा रहे हैं। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग है वैसे तो अभी हम शादी में जा रहे हैं। भारती ने आज साड़ी पहनी है जो कि मेरी चूज की हुई थी जब बाय की, तो और मुझे सबसे अच्छी लगती है साड़ी जो भी जब भी भारती पहनती है। तो अभी दूसरा दिन है शादी का, उसमें जा रहे हैं हम आज और फिर ख़त्म हो जाएगी आज शादी। हम कहाँ लेना है કઈ એટલે બોલ લ્યો વેડિંગ માં લઈ જાવ હમ પણ કઈ ત્રણ લઈ જવા પણ આ બેહવા દેવી કેવા હે કા એટલે લઈને જાતો દીકા એટલે કઈ બધે રમકડા મૂકો આમાં બધે ને કે આપી દે ત્રણ બોલ ગાડી હે અંદર ગાડી છે ઓકે Say hello friends, we're going. Apni se jaanu hai. Mummy. What? The place. Like. Thank you.
दोस्तों ये हम आज शॉपिंग किया है, हम तीनों ने लिए, मोजड़ी बोलते हैं इसको और छवला बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। रावल गाम पे हम गए थे, वहाँ ये बनाते हैं, बहुत पुराने टाइम से ये लोग यहाँ ये बनाते हैं, चमड़े के होते हैं ये, पैरों के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये, समर में भी पहन सकते हैं, विंटर में भी और मानसून में भी, और इससे सर दर्द की बीमारी कई तरह की कम हो जाती है ये पहनने से, पैरों के लिए बहुत अच्छे, और जो पैरों में छाले जो पड़ते हैं कई लोगों को उसमें भी ये बहुत फ़ायदा होता है ये पहनने से। और ये अभी तो बहुत ही डिज़ाइन और कलरफुल अलग अलग तरीके के बनाते हैं, पहले ये सिर्फ वाइट कलर के बनते थे, और अब ये जो चमड़ा इसमें यूज़ होता है वो अच्छा होता है और बहुत टिकाऊ होते हैं ये, तो अगर रफली आप एक लोग हैं तो 2 साल कम से कम निकल जाएंगे। तो पुराने टाइम में लोग जब इतना स्पेंड नहीं करते थे शूज़ में, तब ये पहनते थे लोग, औरतें और मर्द सभी पहनते थे, बच्चों के लिए तो उस टाइम पे शायद नहीं बनते थे, अभी ये लोग बनाते हैं। like और it? ये ओम के लिए भी हमने बाय किया, उसको पसंद आया बहुत, और दिखने में भी ये रॉयल टाइप लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए हम आज स्पेशल गए थे वहाँ ये लेने, और हमने लिए, मैंने भी लिए, भारती के लिए हमने लिए, ओम के लिए भी लिए। तो ये हमारे ट्रेडिशनल शूज है और हम पहनते हैं शौक से इसे, मुझे बहुत पसंद है। ये चीज़ें जो हैं सारा ही जो काव बफेलो के लिए भी है, घोड़ों के लिए भी है, हेल्टर सब जो उसका होते, और ये सजाए होते हैं इन लोगों ने सही तरह से, तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं ये, सब लोग पहनाते हैं अपने पशुओं को। और ये जो है सुपड़ा बोलते हैं हम इसको, मुझे इसका हिंदी तो पता नहीं और इंग्लिश भी, लेकिन जो जो भी अनाज साफ़ सफाई करते थे पहले बिना मशीन के, तो इसमें किया करते थे, तो ये तो सिर्फ उन्होंने मतलब ऐसे शो पीस रखा है, बहुत ही पुराना है ये। और ये एम्ब्रॉयडरी वर्क जो पहले के टाइम का है, ये 100 या 100 साल पुराना होगा ये, इन्होंने मतलब संभाल के रखा है ये, जो घर सजावट में रखते थे सारा कुछ, जिसमें डिज़ाइन बनी होती है, पीकॉक है, गाय है, हमारे गणपति है, कृष्ण भगवान मुरली हाथ में लिए हुए हैं, ऐसी चीज़ें ये मतलब पुराने टाइम में हाथ से बनाते थे, ये कोई मशीन वर्क नहीं है, सारा ही ये हाथ से बनाया हुआ है, उस टाइम पे मशीन थी ही नहीं, 100 या 100 साल के से भी पुराना है ये सब कुछ, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको वीडियो में उतार के दिखाएं आप सब लोगों को। और ये शांतिलाल भाई साहब जो हैं रावल में, सारे यहाँ के लोग उनको जानते हैं नाम से ही, तो ये उन्होंने सब संभाल के रखा हुआ है, और ये सारा ही बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है जो इसके ऊपर हाथ से किया है स्पेशली इसलिए। और इसमें बहुत चीज़ें जैसे चादर है, और जो सजावट का शादी में पुराने टाइम में शादी में ये सजावट के लिए यूज़ करते थे, और घोड़ों को भी और बैल को भी ये सजावट में यूज़ करते थे, उनके ऊपर लगा के उनको श्रृंगार जब करने होते, जब दूल्हे का घोड़ा होता है उसको भी सजाते थे इसी चीज़ों से, तो उन्होंने ये बहुत ही संभाल के रखा हुआ ये चीज़, बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से काम किया हुआ है सारा ही कुछ, और सारा ही काम हाथ से किया हुआ है, ये स्पेशल बात है, सब कुछ हाथ से बना हुआ है ये, तो इसलिए ये हमें लगा कि आपको देखने में मज़ा आएगा। और ये बहुत पुराना है, ओम भी देख रहा था बहुत एंजॉय कर रहा था वैसे, इसमें घोड़े बने हुए, जय हिंद लिखा हुआ है, जो पुराने टाइम में जैसे छाछ बनाते थे दही से मक्खन निकाल के, वो भी इसमें पेंट में मतलब इसके चित्र में दिखाया हुआ है, जो हमारे यहाँ के गरबा फेमस है वो भी इसमें दिखेंगे, तो पूरी जो गुजरात की संस्कृति है उसमें दिखेगी आपको, एक ही ये चादर पे ही जो सारा डेली रूटीन होता है, जो हमारी पूजा होती है इवनिंग मॉर्निंग की, फिर जो रूटीन का काम होता है वो भी है, और कुछ सिंबल्स हैं हिंदू के, जैसे जय हिंद है लिखा हुआ, राम श्याम लिखा हुआ है, हमारे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, पिकॉक है इसमें, घोड़े भी है, कुत्ते हैं, लायन बना हुआ है, तो ये चीज़ें उन्होंने हाथ से बनाई थी उस टाइम पर, और ये भाई साहब ने ये जो संभाल के बहुत ही प्यार से संभाल के रखी है, तो धन्यवाद इसके लिए, ये हमारी संस्कृति है।
આમાં એક કાળો તરાગ આવે, એક સોનેરી તરાગ આવે, લાલ તરાગ આવે, ઈ છે. આ પાડજો જો સાચું આવશે. और ये हमारे रेड कलर की दूल्हे की पगड़ी है. जो दूल्हा अकेला रेड कलर की पगड़ी बांधता है, दूसरे जो भी होते हैं वो वाइट कलर की बांधते हैं. तो ये भाई साहब को वो आती है बांधनी भी. और ये जो पुरानी इन्होंने बहुत ही संभाल के बहुत सालों पहले की रखी हुई है, ये होगी एटलीस्ट 200 साल या 150 साल पुरानी है. फिर भी इन्होंने संभाल के रखी है, वरना ये टूट जाती है या तो कुछ भी, मतलब इसको डैमेज हो सकता है. तो ये फिर बांध के उसके अपने सर पे बांध के दूल्हे के ऊपर भी रख सकते हैं. वही अभी आप देखोगे जैसे ये बांध रहे हैं अभी. और ये बहुत ही फास्ट बांध लेते, ये इनकी टेक्निक है जो शायद मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगी. ये तो ये अभी अपने ओम के ऊपर रखेंगे बांध के. और ये अभी फ़िलहाल मैंने बहुत ट्राई की, जो पुराने वाली थी वैसी सेम अभी नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो कलर का उसका जो मिक्सिंग किया होता है वो वाला अभी नहीं मिल रहा. अभी थोड़ा स्लाइटली इसमें दूसरा कलर या तो वो मिलता है, लेकिन ये सेम नहीं मिल रही अभी कहीं भी. मैंने राजस्थान तक ट्राई की है सभी जगह, और ये सेम कहीं भी नहीं मिल रही. तो ये ओरिजिनल पगड़ी है. ये ओम के ऊपर रखी है, तो ओम बहुत ही मतलब वो मुझे अच्छा लगा ये, और उसको भी अच्छी लगी, ओम को भी. ये स्माइल आ गई उसके फेस पे सीधे ही. और ये इससे भी ज़्यादा जचती है जब ये ट्रेडिशनल हमारे वाइट क्लोथ पे ये जो पगड़ी पहनता है ओम. तो लेकिन अभी हम तो फ़िलहाल सिर्फ देखने और ये वीडियो शूट करने ही गए थे वहाँ. तो ये शांतिलाल भाई ने हमें सब कुछ दिखाया, सब कुछ उनके पास था. वो उसकी उसका जो भी मतलब मोल है वो भी समझाया और हमें दिखाया सब कुछ उन्होंने. और ये तलवारें भी हैं उनके पास, तो वही हम ओम को हाथ में देके उसको पूरा दूल्हे का जो सामान है वो सजाते थे. और थैंक यू सब लोगों को देखने के लिए, धन्यवाद. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर.